चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ काजल आई लुक शेयर करने वाली हूँ। एंड इन काजल आई लुक को मैंने क्रिएट किया है ममाअर्थ की कोल से। सो गाइस, ममाअर्थ की तरफ से एक काजल एंड एक कोल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल मेरी ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ममाअर्थ एक बिल्कुल इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। एंड ममाअर्थ की तरफ से आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो आपकी ऑर्डर को डायरेक्टली लिंक कर देते हैं उनकी एक वेबसाइट में, जहाँ पे वो ट्रीज को प्लांट करते हैं। सो गाइस, अगर आप ममाअर्थ ब्रांड से कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि थोड़ी सी प्राइस हाई है, तो आप स्क्रीन में जो डिजायर 2021 वाली कूपन कोड है उसे यूज करके आप किसी भी ममाअर्थ की प्रोडक्ट में 20% तक का डिस्काउंट। एंड गाइस, ये सिर्फ ममाअर्थ की वेबसाइट में, ममाअर्थ के ऐप में अवेलेबल है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो इसे। एंड गाइस, ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स ममाअर्थ की खुद की वेबसाइट में, ऐप में एंड Amazon, पर्पल एंड नाइका पे भी अवेलेबल है। गाइस, मेरे पास है ये दोनों ममाअर्थ चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल एंड चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे कोल। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इनमें से एक है काजल और एक है कोल। तो पैकेजिंग के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, एक में काजल लिखा हुआ है एंड एक में कोल लिखा हुआ है। से जो काजल है वो रोल ऑन में है, यानी कि एडजस्टेबल है, एंड जो कोल है वो रिट्रैक्टेबल है। तो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। पैकेजिंग बिल्कुल जो ममाअर्थ की थीम पैकेजिंग होती है वाइट एंड ग्रीन वाली, उसी टाइप की है। और कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, लाइक एक पेन की जैसी पैकेजिंग होती है बिल्कुल वैसे है, लेकिन बहुत अच्छे से पैक्ड है। तो बहुत ही अच्छे से हाइजीन का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और दोनों ही प्रोडक्ट बिल्कुल क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन है, मेड सेफ प्रोडक्ट है, 11 आवर्स तक स्टे करता है एंड स्मज फ्री है और टॉक्सिन फ्री है एंड ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करते हो तो उनके लिए भी बिल्कुल ये सेफ है। सो गाइस, ये है ममाअर्थ की चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल दोनों की पैकेजिंग सेम है। तो इसमें आपको मिलता है 0.35 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इसकी MRP है 299 रुपीज। शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की। तो इसकी इनर पैकेजिंग है कुछ इस टाइप की, बिल्कुल वाइट आउटर पैकेजिंग है और इसमें आपको ममाअर्थ मेड सेफ लॉन्ग स्टे काजल लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि नो टॉक्सिन्स के साथ आती है एंड विटामिन सी के साथ आती है, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट के साथ आती है। तो ये कुछ इस टाइप की एडजस्टेबल काजल है और इस टाइप की काजल यूज़ करने में बहुत अच्छी होती है, लाइक बहुत जल्दी में एंड बहुत इजीली आप इस टाइप की काजल को यूज़ कर सकते हो। एंड इसकी जो टेक्सचर है बिल्कुल बटरी सॉफ्ट काइंड ऑफ टेक्सचर है, बहुत स्मूथली ये ग्लाइड हो जाती है एंड बहुत अच्छे से पिगमेंटेड काइंड ऑफ काजल है। मैंने जस्ट एक स्लाइड किया है और ये बहुत अच्छे से स्लाइड हो रहा है, तो बहुत इजीली आप अपने वाटर लाइन पे या फिर आईज पे अप्लाई कर पाओगे। और इसके बाद ये है ममाअर्थ की कोल और ये भी काफ़ी अच्छी है एंड पैकेजिंग ऑल ओवर इन दोनों प्रोडक्ट की सेम ही है। और इसके साथ आपको एक शार्पनर भी मिलता है, बट इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है गाइस। इसमें आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलता है, 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है विथ वन शार्पनर और इसमें इसकी प्राइस है 499 रुपीज़ एंड इसकी भी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की। इसमें ऐड किया गया है कैस्टर ऑयल एंड कैमोमाइल एक्स्ट्रैक्ट, तो आप समझ सकते हो ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एंड गाइज, दिस इज़ द शार्पनर और ये बिल्कुल इस तरह की वाइट काइंड ऑफ एक शार्पनर है। तो इसकी कैप आप देख सकते हो, इसकी कैप ब्लैक कलर की है, जो कोल है इसकी कैप ब्लैक कलर की है एंड जो एडजस्टेबल काजल है उसकी कैप वाइट कलर में ही है, बट इसकी लाइक बॉडी में ही ब्लैक कलर है फ्रंट पोर्शन में। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, बट ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लगा काजल से। कोल की जो पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत ईजिली ये ग्लाइड हो रहा है, बहुत अच्छे से पिगमेंटेड है। तो इसको भी मैंने हाथ के ऊपर अप्लाई किया एंड आप देख सकते हो मैं ये यहाँ पे लिटरली रब कर रही हूँ, स्मज कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही है और ये काफ़ी अच्छी वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ है। और वाटरप्रूफ मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी आप देख पाओगे अभी अभी। मैंने यहाँ पे वाटर को स्प्रे किया है लेकिन ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी काइंड ऑफ काजल एंड कोल है। यहाँ पे कोल की हेल्प से 3 डिफरेंट आई लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके पहले मैं यहाँ पे आईशैडो बेस को सेट कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से एंड एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे कोल को ले लिया है और ये है कोल की जो हेड है वो, तो इसकी हेल्प से मैंने सिर्फ अपनी
अपर वाटर लाइन पे टाइट लाइन कर लिया है, और आप देख सकते हो ये बहुत नेचुरल दिख रही है, लेकिन अपर जो आईलिड है और अपर जो लैश लाइन है वो थोड़ी सी डिफाइन ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए काफ़ी अच्छी आई लुक आ रही है। तो आप दोनों आईज में डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। सो यह दिस इज़ माई फर्स्ट आई लुक, और अब आते हैं सेकेंड आई लुक पे। तो इसके लिए सबसे पहले सिर्फ मैंने आउटर कॉर्नर में इस तरीके से एक जस्ट फॉल्स विंग क्रिएट कर लिया है, और कुछ इस तरीके से इसे रख दिया है। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से एक लाइनर वाली लुक क्रिएट करी है। इसे भी आप ऐसे रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसे थोड़ी सी स्मज कर रही हूँ एक क्यू टिप की हेल्प से। तो ये बन जाएगा हमारी सेकेंड आई लुक, और इसे काफ़ी अच्छी एक फॉल्स स्मोक्ड आउट विंग लुक क्रिएट होगा। एंड इस टाइप की आई लुक लाइक फॉक्सी आई लुक बहुत अच्छी दिखती है, बहुत नेचुरल दिखती है, बट बहुत स्टाइलिश दिखती है। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अब आते हैं थर्ड आई लुक पे। तो थर्ड आई लुक के लिए मैंने यहाँ पे वाटर लाइन पे अपनी जो कोल है उसे अप्लाई कर लिया है, एंड इसके बाद मैंने अपनी जो लाइनर एरिया है उस एरिया पे इस तरीके से कोल को अप्लाई कर लिया है, बस वैसे जैसे हम एक नॉर्मल विंग लाइनर ड्रॉ करते हैं वैसे, बट मैंने यहाँ पे विंग को नहीं क्रिएट किया है, बस यहाँ पे यहीं पे छोड़ दिया है। सो दैट्स द थर्ड आई लुक, और ये भी काफ़ी नेचुरल है, बिल्कुल फॉर्मल काइंड ऑफ आई लुक है, आप ऑफिस टाइम के लिए या फिर लाइक नॉर्मल आउटगो के लिए इस तरीके के आई लुक क्रिएट कर सकते हो काजल से। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ आई लुक पे, और फोर्थ आई लुक के लिए मैंने यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे काजल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, एंड उसका जॉइन कर दिया है जो लाइनर एरिया पे लाइन हमने ड्रॉ किया था उसके साथ, एंड इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, बस थोड़ा सा स्लाइटली, एंड देयर इज द फाइनल आई लुक। सो गाइस, इनमें से कौन से आई लुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, एंड कौन से आई लुक के साथ आप सबसे ज़्यादा यूज्ड टू हो, आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। गाइस, मम्मा अर्थ हैज रिसेंटली लॉन्च देयर ऑफिशियल ऐप, सो यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो गाइस, मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, और आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। और जैसे कि मुझे ये वाला जो मामा अर्थ की जो एडजस्टेबल काजल है ये मुझे बहुत ज्यादा, एंड कोल भी बहुत अच्छी है, चला है इसे आप डेफिनेटली बहुत इजीली ट्राई कर सकते हो, ये इतनी ज्यादा स्मूथ एंड इतनी अच्छे से ग्लाइड हो जाती है, आप बहुत इजीली एंड बहुत फास्ट फॉरवर्ड में इसे ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड इसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम है, 299 रुपीज में आपको 0.35 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, इसमें प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलता है, सो इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी अफोर्डेबल में है, तो आप डेफिनेटली ये वाली काजल को यूज कर सकते हैं, एंड ऊपर से आपको एक्स्ट्रा 20% तक तो डिस्काउंट मिलने ही वाली है। सो यस गाइस, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो, एंड उसके बाद आपकी जो रिव्यू है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को लाइक करना, एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, लव यू ऑल।